अगर आप वीडियो देखकर नहीं समझे कि यहाँ क्या हुआ है तो एक बार फिर वीडियो देखिए। ये यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा हैं, जिनका शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही विरोधी दलों ने योगी के मंत्री पर हमला भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राज्य में योगी सरकार घिर गई है। बता दें, मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने सतीश शर्मा के साथ बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर ये किसी और जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी बीजेपी वाले उसे पार्टी से बाहर निकाल चुके होते। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने मामले पर योगी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। सपा नेता सुनील सिंह यादव ने योगी के मंत्री का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लोधेश्वर शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री हैं और साथ में ब्राह्मणों के घोषित इंपोर्टेड चेहरे भी खड़े हैं। यही काम यदि किसी अन्य जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाई उसका निष्कासन करा चुके होते। वैसे बाबा चुप क्यों है? बता दें, योगी के मंत्री का ये वायरल वीडियो बाराबंकी के रामपुर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां सतीश शर्मा पूजा करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद भी हैं, जो हाथ जोड़े दिख रहे हैं। इस दौरान सतीश शर्मा पुजारी से कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद पुजारी लोटे में उन्हें पानी देते हैं और सतीश शर्मा शिवलिंग के पास ही हाथ धोते दिखते हैं। जब मामले में सतीश शर्मा से उनका जवाब मांगा गया तो योगी के मंत्री ने चुप्पी साध ली। फिलहाल सतीश शर्मा का ये वीडियो वायरल होने के बाद योगी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।